जय सियाराम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल और सबसे इफेक्टिव मंत्र जो मैं आपको आज बताऊंगा, उसका जाप अगर आप निरंतर करते हैं या फिर 21 दिनों तक अगर इसका नियमित ध्यान करेंगे तो आपका कैसा भी बड़ा काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, वो पूर्ण सफल होगा। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई संकट झेल रहे हो आप घर में, कोई आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है काफ़ी लंबे समय तक, तो आप उसके नज़दीक बैठ कर उसे पढ़े या फिर उसे सुनाए या फिर घर में उसका मनन कीजिए, उसका पाठ कीजिए, आपकी हर समस्या का हल इसमें हो जाएगा। भक्तों, ये बात उस समय की है जब महाभारत हो रहा था 5000 वर्ष पूर्व, जो कि महाभारत के समय महाराज भीष्म बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, तब पांचों पांडव और कृष्ण भी वहाँ मौजूद थे। ढलती शाम थी, युद्ध रुक चुका था, पांचों पांडव और कृष्ण थे। युधिष्ठिर ने महाराज भीष्म से पूछा कि महाराज, इस सांसारिक जीवन से कैसे मुक्ति पाई जाए, और जो इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है वो काफ़ी दुख में रहता है, काफ़ी उसे दुख झेलना पड़ता है, काफ़ी गृहस्थी में परेशानियां और संकट झेलने पड़ते हैं, तो इस सांसारिक जीवन से कैसे मुक्ति पाई जाए और उस परमात्मा को कैसे समझा जाए और क्या इसका मार्ग है, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें बताए। तो महाराज भीष्म उन समय उन्हें बताते हैं कि जो सर्वस्व फैला है, जो चारों तरफ है, जिसकी माया में फलीभूत हो रहा है ये संसार, उस विष्णु को आप समझो। उस समय महाराज भीष्म ने युधिष्ठिर को विष्णु भगवान श्री हरि के 101,000 नाम बताए और उनका वर्णन किया और उनको बताया, अगर इन्हें 1,000 नामों को, सहस्त्र नामों को अगर कोई भी व्यक्ति भजता है तो उसकी कैसी भी बड़ी परेशानियां, वो किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। कैसा भी युद्ध हो, कितना भी बड़ा युद्ध हो, उस युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। अगर आप इस पारलोक, इस मृत्यु लोक से मुक्ति पाना चाहते हो, पारलौकिक जीवन में प्रभु की शरण जाना चाहते हो, तो इसका मनन जरूर कीजिए। तो विष्णु सहस्त्र नामों का उन्होंने उच्चारण किया, भगवान विष्णु का 1,000 नामों का उच्चारण बताया कि इसकी क्या माया है, इसके क्या लाभ है। अर्थात आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी व्यक्ति ऐसी समस्या से जूझ रहा है जो काफ़ी लंबे समय तक उसके कार्यों में अड़चने डाल रही है, तो उसका समाधान विष्णु सहस्त्र नाम है। भक्तों, मनुष्य जीवन में मंत्रों का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, वो इनको अगर सही मायनों में जपा जाए और सही स्थान पे और सही दिशा निर्देश के माध्यम से जपा जाए तो इनका बहुत अनंत अनंत कोटि लाभ होता है। पारलौकिक जीवन और मृत्यु लोक, लोक और पारलोक दोनों सिद्ध हो जाते हैं हमने, वो मनुष्य जीवन सुधर जाता है, यानी मानव जीवन सार्थक हो जाता है। मंत्रों का सही उच्चारण अगर सही समय किया जाए तो उसका बहुत लाभ मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करेंगे तो इसका लाभ 100 गुना बढ़ जाएगा और आपके हर कार्य सिद्ध होंगे। अगर आप इसको आज ही करेंगे तो लगभग आपको इसको नियमित रूप से 21 दिन तक जरूर करना है। अगर आप 21 दिन आप ये मान के चलिए कि आप अगर कोई भी चीज़ अपनाते हैं तो लगभग उसे 21 दिन कीजिए, क्योंकि उसको फलीभूत होने में 21 दिन का रूटीन लगता है, वो चीज़ भी सिद्ध हो जाती है और आपके कार्य भी, अटके हुए कार्य भी सफल होने लगते हैं। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हुआ, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इस वीडियो के माध्यम से कैसी जानकारी मिल रही है हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय सियाराम आपका सहयोगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सियाराम भक्तों।